Welcome back to my session. In this session, we are going to learn what is a form and how we will create a form in MS Excel. So let's start. हमने आपको पिछले वीडियो में ये होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। आंसर सब पता ही होगा क्योंकि हमने पहले बता दिया था। अगर नहीं पता है तो अगले वीडियो में इसको हम या आप मैसेज कर देना, हम आंसर बता देंगे। ओके, फॉर्म। फॉर्म होता क्या है? अब फॉर्म इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a data. A form is an object. We know that there are four objects of a database: table, query, form, format, report. There are four object of a database. Database के four objects होते हैं। तो इन objects में form क्या है? Object है, जो कि graphical table का graphical representation है। यानी कुछ table को एक graphical ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करता है। वी कैन ऐड एंड अपडेट रिकॉर्ड इन आवर टेबल बाय यूजिंग अ फॉर्म। सो वी कैन यूज अ फॉर्म टू ऐड एंड अपडेट रिकॉर्ड इन अ टेबल। ओके, बट इन अ फॉर्म वी कैन सी ओनली one record at a time. Form को हम यूज कर सकते हैं add और अपडेट करने के लिए डेटा, एक डेटा एक टाइम पे, only one record at a time. एक बार में सिर्फ एक रिकॉर्ड को हम अब इसमें देख सकते हैं फॉर्म में। तो फॉर्म है क्या? फॉर्म एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। अ फॉर्म इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट वी कैन यूज टू इंटर एडिट और डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ टेबल और अ क्वेरी टेबल। सिंपल सा फॉर्म क्या है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका यूज हम करके इंटर एडिट डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल और अ क्वेरी टेबल। तो फॉर्म एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका यूज करके हम रिकॉर्ड को इंटर, डेटा को इंटर एडिट डिस्प्ले कर सकते हैं, वो किसी टेबल का होगा या क्वेरी टेबल का। तो जो फॉर्म है उसको हम किसी टेबल पे भी क्रिएट कर सकते हैं, जो टेबल हमने रिकॉर्ड का बनाया है, या कोई क्वेरी टेबल जो हमने बनाया किसी टेबल पे बेस्ड, उस पे भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों पे बेस्ड हो सकता है। ओके, तो टेबल क्या है समझ में आ गया, और फॉर्म क्या है? फॉर्म क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ऑब्जेक्ट है डेटाबेस जिसका यूज करके हम रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, ऑल्दो अ फॉर्म कैन हैव डिफरेंट नेम फ्रॉम द टेबल इज बेस्ड ऑन, दे बोथ मैनिपुलेट द सेम इंफॉर्मेशन एंड द सेम एग्जैक्ट डेटा। हेंस इफ यू चेंज अ रिकॉर्ड इन अ फॉर्म इट विल चेंज इन टेबल एज वेल।
whenever we save a farm, we will give the name of the farm different to the table. Okay, जब भी हम कोई फार्म को सेव करेंगे तो उसका नाम जो होगा वो डिफरेंट होगा किससे, टेबल से, जिस टेबल पे हमने उसको बनाया उस टेबल से वो हमेशा डिफरेंट होगा. दे बोथ स्टिल मैनिपुलेट द सेम इंफॉर्मेशन एंड द सेम एग्जैक्ट डेटा, लेकिन वो जो डेटा होगा वो दोनों में सेम होगा. जब भी हम किसी एक में डेटा को चेंज करेंगे, मान लीजिए हमने फॉर्म में कोई चेंजेस किए डेटा को, वो चेंजेस हमारे टेबल में भी होगा, यानी डेटा जो होगा वो हमेशा सेम एग्जैक्ट होगा. ओके, अ फॉर्म प्रोवाइड एन इजी टू यूज ग्राफिकल इंटरफेस टू द यूजर्स ऑफ द डेटाबेस टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड एंड ऐड न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल. अ फॉर्म इज एन इजी टू यूज ग्राफिकल इंटरफेस. इसमें जो इंटरफेस होता है वो टेबल की तरह नहीं होता, इस तरीके से ग्राफिकल होता है जिससे हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. और इसका यूज करके हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं जो पहले से रिकॉर्ड है, कोई न्यू रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं, हम डेटा को देख सकते हैं. और एनी चेंजेस दैट यू मेक टू द टेबल इन ऑफ फॉर्म आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड इन द कंसर्न टेबल. और जब भी आप कोई चेंजेस करोगे फॉर्म में, वो सारे चेंजेस किसमें हो जाएंगे, आपके टेबल में, यानी एग्जैक्ट डेटा हमेशा आपको मिलेगा टेबल में भी और फॉर्म में भी. ओके, क्रिएटिंग फॉर्म, कैसे इस फॉर्म को हम क्रिएट करेंगे. फॉर्म क्रिएट करना बहुत ही ईजी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द टेबल और क्वेरी इन द नेविगेशन पेन दैट यू वांट टू यूज द डेटा सोर्स फॉर द फॉर्म. सबसे पहले हम उस डेटा को नेविगेशन पेन से उस टेबल को या क्वेरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमको बनाना है. ओके, और फिर क्रिएट टैब में फॉर्म का ऑप्शन दिया है, फॉर्म्स ग्रुप में, ये फॉर्म्स ग्रुप है. इस फॉर्म्स ग्रुप में क्रिएट टैब में इस फॉर्म बटन पे हमको क्लिक करना है. सबसे पहले क्या करना है, हमको टेबल या क्वेरी टेबल जिससे भी हमको ये बनाना है उसको नेविगेशन पेन से हम सेलेक्ट कर लेंगे. यहाँ इस तरीके से नेविगेशन पेन दिया होगा, यहाँ से हम जिस भी टेबल या क्वेरी टेबल पे फॉर्म को क्रिएट करना है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे. इस तरीके से यहाँ बहुत सारे नेम देखिए टेबल्स के दिए हैं, क्वेरी टेबल्स के दिए हैं, चूंकि एक फॉर्म क्रिएट हो गया तो फॉर्म का नाम ही दिया है. तो यहाँ से नेविगेशन पेन से हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले टेबल या क्वेरी टेबल जिस पे भी हमको क्रिएट करना है फॉर्म उसको सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट टैब में क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे और फॉर्म्स ग्रुप से फॉर्म बटन पर क्लिक कर लेंगे. ओके, ओपन टेबल और क्वेरी टेबल अपॉन विच यू वांट टू बेस द फॉर्म. सबसे पहले क्या करना है, ओपन द टेबल या क्वेरी टेबल, देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन एंड
देन सेलेक्ट फॉर्म बटन अंडर फॉर्म्स ग्रुप। फॉर्म्स ग्रुप के अंदर फॉर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू फॉर्म विल ओपन इन द लेआउट व्यू। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, एक फॉर्म हमारा बन के तैयार हो जाएगा। किस व्यू में? लेआउट व्यू में। अब फॉर्म है थ्री व्यूज। फॉर्म में कितने व्यूज हैं? थ्री। फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू। When a form is created, it by default opens with layout view so that we can adjust layout the various field as per our requirement. Form जो create होता है उस पर three views होते हैं, form view, layout view और design view. जब भी कोई form create होता है by default वो layout view में open होता है ताकि आसानी से उसमें हम adjustment कर सकें fields का, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सका। अ फॉर्म व्यू वी कैन ओनली व्यू एंड एडिट डेटा बट कैन नॉट चेंज इस लेआउट। फॉर्म व्यू जो होता है उसमें हम डेटा को देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं लेकिन उसके लेआउट को चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो इन फॉर्म व्यू वी कैन ओनली व्यू एंड एडिट डेटा बट कैन नॉट चेंज इट्स लेआउट। इसको लेआउट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप क्रिएट करोगे तो इस तरीके से फॉर्म हमारा बन के तैयार होता है। ये एक फॉर्म है जहाँ पे यहाँ कुछ फॉर्म इस तरीके से दिखेगा हमको। ये फॉर्म है जो हमने क्रिएट किया। तो यहाँ देखिए लिखा है आईडी वन, स्टूडेंट नेम ये, उसकी स्टूडेंट आईडी ये है, मार्क्स ये है, ये फील्ड्स जितने फील्ड्स आप यूज किए हो सब इस तरीके से दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे क्रिएट होने के बाद। क्लियर, तो सबको आ जाएगा कैसे इसको क्रिएट करना है। इजीली, बहुत ही आसान है, अभी बताए हैं। आज हम बात करेंगे और आगे कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म। फॉर्म्स के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अ फॉर्म इज वेरी सिंपल, इन फैक्ट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इज कीप इट अनक्लटर्ड सो दैट इट कैन बी इजीली यूज्ड। इसका जो इंटरफेस होता है बहुत ही सिंपल होता है ताकि आसानी से हम इसको यूज कर सकें। आप सिंपल सा देख रहे हो, एक रिकॉर्ड यहाँ दिया गया है। तो बहुत ही इंटरफेस क्या है, सिंपल है ताकि आसानी से इसको यूज किया जा सके। तो इसके हम फॉर्म स्क्रीन के कंपोनेंट के बारे में भी बात करते हैं। सबसे ऊपर जो ये दिया है ये टाइटल है, टाइटल वाज शो द फॉर्म टाइटल। सबसे पहले जो ऊपर है हमको पता है विंडो के ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर टाइटल बार। तो यहाँ टाइटल है जो कि क्या दिखाता है, टाइटल। मार्क टेबल लिखा है वो टेबल का नाम है, तो जो भी टेबल का नाम होगा वो कहाँ दिख, सॉरी फॉर्म का नाम होगा वो यहाँ टाइटल बार पे दिखेगा। अभी इस टाइटल, इस फॉर्म का नाम क्या है, मार्क टेबल। तो वहाँ मार्क टेबल लिखा है, जब भी आप उसको जिस नाम से सेव करोगे वो वहाँ शो करेगा। ये फील्ड्स नेम है, लेवल, कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइब द डेटा एंटर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्सेज। जो टेक्स्ट बॉक्सेज में डेटा लिखे गए हैं उनको ये डिस्प्ले करता है। जो फील्ड्स बनाते हो सारे फील्ड्स हैं ये एक्चुअल में। टेक्स्ट बॉक्सेज वेयर डेटा इज एंटर्ड एंड लिंक टू द फील्ड इन द टेबल। ये टेक्स्ट बॉक्सेज हैं जहां हमको डेटा को एडिट या डेटा को स्टोर करना, एंटर करना है, और ये टेबल में आपको दिखाई देंगे ये डेटा। नेविगेशन कंट्रोल बटन यूज टू मूव विद इन द रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। ये जो होते हैं ये नेविगेशन कंट्रोल बटन हैं जिनका यूज करके हम उस टेबल के रिकॉर्ड को नेविगेट करेंगे। यानी इन बटन्स का यूज करके हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, यहाँ देखिए टोटल रिकॉर्ड कितना दिखा रहा है, 40।
14 दिखा रहा है, 1 of 14, यानी हमने फर्स्ट को, पहले को हमने ओपन कर रखा है। अब हमको सेकंड पे जाना हो, क्योंकि फॉर्म में वन रिकॉर्ड एट अ टाइम हम देख सकते हैं, फॉर्म में सिर्फ एक रिकॉर्ड एक बार में हम देख सकते हैं। तो अब इसको नेविगेट करना हो, यानी पहले रिकॉर्ड पे जाना हो, दूसरे पे जाना हो, इस तरीके से हम यहाँ से उसको मूव कर सकते हैं, पहले रिकॉर्ड से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, इस बटन्स का यूज करके। कैसे करेंगे? इन बटन्स का यूज यहाँ डिटेल्स में हम उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड, ये जो बटन दी गई है, इसका यूज करके हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे कहीं भी होंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे हमको ये पहुंचा देगा। ये जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड पे पहुंचाएगा, यानी अगर आप रिकॉर्ड 2 पे हो तो जैसे इस पे क्लिक करोगे, प्रीवियस क्या होता है, फर्स्ट रिकॉर्ड, हमको फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंचा देगा। ये होता है न्यू रिकॉर्ड, हमको कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना हो, यानी हमको फॉर्म में कोई न्यू एंट्री करनी होगी, तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना, यानी अभी हम 1 पे हैं, 2 पे जाना होगा, इस बटन को यूज करेंगे। और लास्ट, यानी कहीं भी हो आप और लास्ट पे जाना है, तो इस बटन पे आप क्लिक करोगे और लास्ट पे हमको लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंचा देगा। ये जो है वो कहीं भी रहो आप, क्लिक करने पे फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंचा देगा, और ये बटन जो होगी वो हमको लास्ट पे पहुंचा देगी। इस बटन का यूज करके हम कोई न्यू रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं, और इन दोनों से हम नेक्स्ट और प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। ओके।